शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट पेश करते हैं आज की खबरें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुरगढ़ के लोगों को आज मेट्रो की सौगात दे दी है। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से बटन दबाकर प्रधानमंत्री ने मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने बहादुरगढ़ के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो से जुड़ने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहादुरगढ़ गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद हरियाणा का तीसरा शहर है जो दिल्ली मेट्रो से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आने जाने वाले उद्योग से जुड़े हुए लोग, विद्यार्थी और समस्त जनता का आना जाना आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली में 6 लाख गाड़ियों की जरूरत को खत्म कर दिया है, जिससे लोगों का समय और पैसा बचा है। साथ ही प्रदूषण को कम करने में भी मेट्रो ने सटीक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ में मेट्रो आने से क्षेत्र का और भी तेज गति से विकास होगा, वहीं लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी लोगों को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मेट्रो का विस्तार बहादुरगढ़ से आगे सांपला तक किया जाएगा। अविरत परिश्रम करने वाले मुख्यमंत्री हमारे मित्र, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ के अंदर तीनों जो मेट्रो स्टेशन हैं, इनके नाम रखने के कुछ प्रस्ताव हमको मिले हैं और उनमें बहादुरगढ़ का नाम जोड़ा जाए, ऐसे भी प्रस्ताव मिले हैं। मैं श्रीमान हरदीप पुरी जी को वो जो सारे प्रस्ताव सौंप दूंगा, ताकि हमारी जो दिल्ली मेट्रो की कमेटी है, जिनको ये नाम फाइनल करने होते हैं, उनके माध्यम से वो नाम जो है फाइनल कर सके। उनमें प्रस्ताव जो मिले हैं, पंडित श्रीराम शर्मा जी के नाम से रखा जाए, शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह जी के नाम से रखा जाए, चौधरी देवलाल जी के नाम से रखा जाए, ऐसे कुछ अन्य प्रस्ताव भी आए हैं। लेकिन कमेटी सोच समझ के विचार करके और इन नामों के प्रस्ताव के बारे में अंतिम निर्णय लेगी और बहुत जल्दी इनका निर्णय अपने को बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम के तहत रेल तंत्र को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हरियाणा की 907 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि केएमपी का निर्माण भी अगले महीने तक पूरा हो जाएगा और जल्द ही उसे आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। खट्टर का कहना है कि यातायात और आवागमन के साधनों को दुरुस्त और सुगम बनाकर प्रदेश के विकास का नया रास्ता खोला जा रहा है, जिससे न केवल प्रदेश का नए सिरे से विकास होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बहादुरगढ़ के सिटी पार्क से आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र तक मेट्रो ट्रेन में करीब 6 मिनट का सफर भी तय किया। मेट्रो आज से आम लोगों के लिए खोल दी गई है। मुंडका से बहादुरगढ़ तक 11 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन में 7 स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें बहादुरगढ़ की सीमा में 3 और दिल्ली की सीमा में 4 स्टेशन बने हैं। हर 8 मिनट 36 सेकंड के बाद बहादुरगढ़ से इंद्रलोक और कीर्ति नगर के लिए मेट्रो सेवा मिलेगी। इसके लिए बहादुरगढ़ से इंद्रलोक तक 30 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है। वहीं अगर बहादुरगढ़ से बस अड्डे तक जाना है तो 10 रुपये का भुगतान लोगों को करना होगा। भाई तुम्हारा हाथ आ रहा यार, निकालो उसे। हमारी एंटरटेनमेंट के लिए काम के लिए बहादुरगढ़ से मुंडका तक की जो नई सेवा शुरू हुई है, इसका लाभ उठा सकेंगे और सीधे बहादुरगढ़ से इंद्रलोक का और उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन के माध्यम से इसका लाभ होगा। और न केवल ये मेट्रो लाइन बल्कि धन्यवाद करूँगा हमारे शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी का, जिन्होंने हमारी कई मेट्रो लाइन को झंडी दी है, जो बन रही है, जो आगे प्रबंधन तैयार है। जैसे हमने डिमांड की है कि बहादुरगढ़ से लेकर के सांपला तक इस मेट्रो लाइन को बढ़ाया जाए। इसी प्रकार गाँव की दूरस्थी सेक्टर से एक मेट्रो लाइन है, कुछ मानेसर तक उसका बढ़ाया जाए। बड़े दिवाला शहर में रेलवे स्टेशन बड़ा बढ़िया है, बहुत तैयार हो गई है।
अमृतसर से लेकर बल्लभगढ़ तक 3.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो 2 बजे तक तैयार हो जाएगा। ऐसे ही ठाणा से कुंडली ये भी एक प्रकार से इसका अलाइनमेंट बन गया है, प्रपोजल बन गया है, DPR बन गई है, बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा। द्वारका बाड़सा ये भी एक नई रेलवे लाइन की मांग की है, ये तो मेट्रो लाइन है, साथ साथ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS इसके माध्यम से जो दूरी के स्टेशन हैं उनमें भी एक प्रपोजल फाइनल हो गया है। दिल्ली से अलवर तक जो गुड़गावा मानेसर धरवड़ा बावल होकर के और राजस्थान के बॉर्डर तक हो जाएगी। दूसरी RRTS की लाइन दिल्ली से सोनीपत होते हुए पानीपत इसका प्रपोजल बनाकर भेज दिया गया है, अलाइनमेंट इसकी हो गई है, बहुत जल्दी इस पर भी काम शुरू होगा। इसी प्रकार अगले जो RRTS के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पाइपलाइन में हम कह सकते हैं वो दिल्ली से रोहतक की लाइन है वो भी पाइपलाइन में है। ऐसे ही दिल्ली से और पलवल होटल तक उस हाईवे पर भी ये RRTS के प्रोग्राम हमने बनाकर दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट बना के दिए हुए हैं, बहुत जल्दी इस पर भी काम चालू होगा। न केवल मेट्रो और रेलवे बल्कि रोड भी हाईवेज के जो काम हैं जैसे KGP का जो मार्ग है वो भी पिछले महीने प्रधानमंत्री जी ने उसका ऐलान कर दिया है। अगले महीने में KMP का जो जगह हिस्सा है मुरली से मानेसर तक बिल्ली लगभग तैयार होने वाला है, बहुत जल्दी इसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। मानेसर पलवल ये चालू हो चुका है, हमारे हरियाणा के 11 नेशनल हाईवे 907 किलोमीटर के ये केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं। इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद हरियाणा की जनता को उसका लाभ मिलेगा, हरियाणा की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वहाँ का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस नाते से एक बहुत केंद्र सरकार हरियाणा के ऊपर है जिसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी का उनके साथ ही स्वागत करता हूँ। जो बीजेपी की सरकार जो हमारे समय की जो मंजूर सुधा वो मेट्रो वही हुई है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है उसमें एक भी इंचार्ज नहीं है। देखिए जितने काम मैंने गिनाए हैं उसमें से ऐसे ऐसे काम भी हैं जो वो गड्ढे खोद के गए। मैं उदाहरण देता हूँ KMP का। KMP सरकार ये सड़क 2005 में कंसीव हुई थी, 2009 तक बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन जिस प्रकार की काम इसमें पैदा हुई आपको ही पता है, उसको प्रधानमंत्री जी ने आते ही 2014 में इसको क्लियर कराया, सुप्रीम कोर्ट से उसकी परमिशन ली और अब वो बनकर के तैयार हो रही है। जो ये छोड़ दिए गए हैं उसमें भी कितने प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं वो रहस्य जब सामने आएंगे आपको पता लगेगा। दूसरी बात सरकारें होती हैं कंटिन्यूशन में होती हैं और कंटिन्यूशन में सरकारें जब होती हैं क्या जब चौटाला जी ने 2000 से लेकर 2004 का शासन किया उस समय के जो प्रोजेक्ट थे वो उन्होंने नहीं बनवाया, वो जो छोड़ के गए जाएंगे हम क्या नहीं बनवाएंगे? अटल जी के छोड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं वो क्या मनमोहन सिंह ने नहीं बनवाए? मनमोहन सिंह ने जो छोड़े हुए प्रोजेक्ट हैं आज नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बनवाएंगे? आखिर ये सरकारों के जो छोड़े हुए काम होते हैं ये अगली सरकार का दायित्व होता है। आखिर नेशनल हाईवे नंबर 1 अगर दिल्ली से लेकर अमृतसर तक इसका हिसाब किताब लगाएं तो लगभग 100 जगह ऐसी थी जहाँ ये काम शुरू करके अधूरे काम छोड़ के चले गए थे। हम सब हमेशा चंडीगढ़ आने जाने वाले लोग हालात इतना सारी चीज़ें हमको पता है, वो सारे हमने आने के बाद बाद बनवाए। आखिर उनके छोड़े गए काम सामान्य गति से छोड़े होंगे वो भी हम बनवाएंगे और घर के रुकावटें छोड़ के गए गड्ढे खोल के गए उसको ठीक करना भी हमारा काम है। और हम नए प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे जो बन देना है वो हमारे समय के RRTS के जो प्रोजेक्ट ये सारे हमारे समय के हैं। मेट्रो की जो नई डिमांड्स कर रहे हैं वो सब हम कर रहे हैं। कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें 3-4-5 साल का समय लगता है, तो ये प्रोजेक्ट एक तरह बनकर तैयार नहीं होता। जैसी जैसी आवश्यकता है वैसे वैसे सरकार से मांग RRTS के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट पेंडिंग है पाइपलाइन में है, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी 3 प्रोजेक्ट चालू हुए हैं RRTS के, जैसे दिल्ली से अलवर, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से मेरठ, 4 प्रोजेक्ट और हैं जो अभी कार्यरत है और उस विभाग के आधार पर किसी किसी विस्तार का काम आगे बढ़ेगा। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें।